उत्तराखंड का उत्तरकाशी ट्रैक पर्यटकों के लिए काल बन गया है। 4,400 मीटर ऊंचे सहस्त्रताल में मौसम ऐसे खराब हुआ कि 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। कर्नाटक और महाराष्ट्र आए पर्वतारोहियों का दल ट्रैकिंग के लिए आया था। खराब मौसम, बर्फबारी और घने कोहरे की वजह से यह दल रास्ता भटक गया और वहीं पर्वत पर इन्हें रात बितानी पड़ी। 5 लोगों की मौत ठंड की वजह से हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि बेस कैंप में 2 ट्रैकर को सुरक्षित पहुंचाया गया है। रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है। युद्ध स्तर पर लोगों को बचाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से लोग उलझ जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम का कहना है कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर भी उतारना मुश्किल है। 9 मृतकों की पहचान भी सामने आ गई है। सिंधु वेकलम, आशा सुधाकर, सुजाता मुंगरवाड़ी, विनायक मुंगारवाड़ी और चित्रा प्राणेश, सबकी उम्र 45 के पार है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस्ट की रेस्क्यू टीम पर नजर है। अलग अलग लोकेशन पर पर्वतारोहियों की तलाश की जा रही है। इंडियन एयरफोर्स भी रेस्क्यू मिशन में जुटा है। सहस्त्रताल का खराब मौसम रेस्क्यू प्रभावित कर रहा है। सहस्त्रताल ट्रैक पर 2 चेतक हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। मिताली और हरसिल हेलीपैड पर MI-17 तैनात है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को हिमालयन व्यू ट्रैकिंग एजेंसी ने कहा कि कर्नाटक के 18 और महाराष्ट्र के 1 और 3 स्थानीय गाइड की एक टीम 29 मई को ट्रैकिंग के लिए निकली। इस टीम में कुल 22 सदस्य थे। वे मल्ला सिल्ला कुशाल कल्याण सहस्त्रताल ट्रैक पर निकले थे। वे 7 जून तक वापस आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वे रास्ता भटक गए। SDRF कमांडेंट मणिकांत मिश्रा का कहना है कि 22 सदस्यों में से 2 यात्रा शुरू होने पर उत्तरकाशी में ही रुक गए, बाकी लोग सहस्त्रताल के बेस कैंप पहुंचे और ट्रैकिंग शुरू किया। सहस्त्रताल के रास्ते में 2 सदस्य बीमार हो गए, उन्हें वहीं रुककर अपने साथियों का इंतजार किया। SDRF कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने दावा किया है कि सहस्त्रताल से लौटते समय टीम को खराब मौसम का सामना करना पड़ा। उन्होंने ट्रैकिंग जारी रखी, इसी दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। 2 और लोग वहां आए और रात बिताई। ठंड ज्यादा होने की वजह से दोनों की मौत हो गई। 8 लोग बेस कैंप आ गए। लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है।